एवरेज लाइफ या मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल का मतलब है, अगर आपके पास मान लो रेडियो एक्टिव सैंपल है, एटम्स हैं, ठीक है, लाखों एटम्स पड़े हुए हैं, और रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होगी, उनके न्यूक्लियस जो है वो छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होंगे। अब होगा क्या, किसी का नंबर टूटने का पहले आ जाएगा और किसी का सालों साल नहीं आएगा, इनफाइनाइट टाइम में आएगा। मतलब जैसे किसी, जैसे हम एवरेज लाइफ निकालते हैं, जैसे कोई 100 साल तक जी जाता है और किसी का पता कुछ नहीं है, तो एवरेज लाइफ 70, 75, 80 के आसपास चलती है। तो उसी तरीके से एटम का भी ऐसे, किसी का नंबर अभी आ गया टूटने का और किसी का कभी नहीं आया, तो आपको क्या निकालना है इसकी एवरेज लाइफ रेडियो एक्टिविटी की क्या होगी। तो एवरेज लाइफ निकालने के लिए वो ये समझा रहे हैं, देयर आर एटम्स विच डिसइंटीग्रेट राइट इन द बिगिनिंग, तो देयर लाइफ टाइम एज या जीरो, तो उनकी तो एज जीरो होगी जो एकदम टूट जाते हैं, और देयर आर एटम्स विच वुड डिसइंटीग्रेट एट द एंड, जो एंड में डिसइंटीग्रेट होंगे, और उनकी लाइफ कितनी है, इनफाइनाइट। तो एवरेज लाइफ कैसी निकलेगी, एवरेज लाइफ निकलेगी बाय कैलकुलेटिंग टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम, सभी की लाइफ टाइम निकाल दो सभी एटम की, और टोटल नंबर ऑफ एटम से उन्हें डिवाइड कर दो, तो आपके पास एवरेज लाइफ में आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सपोज करो आपके पास एन नॉट एटम्स हैं, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो स्टार्टिंग में एन नॉट एटम्स हैं। हुआ क्या, एट टाइम स्मॉल टी नंबर ऑफ एटम कितने रह गए, एन। तो एन नॉट शुरू में थे, एन अब बच गए, तो एन बचने का मतलब कि वो टूटे नहीं, यानी कि स्मॉल टी टाइम तक तो वो जी गए, मरे नहीं, टूटने का मतलब मरे नहीं, तो स्मॉल टी टाइम के लिए तो वो जी गए, क्योंकि स्मॉल टी टाइम में कितने एटम बचे हुए हैं, एन, तो उन सब की एटलीस्ट स्मॉल टी एज तो है ही है, सही है यहां तक। अब स्मॉल एन में जो कैपिटल एन नंबर ऑफ एटम बचे हुए हैं वो भी और टूटेंगे, तो मान लो छोटे से एलिमेंट स्मॉल एटम्स और टूट गए, डीएन, डीएन स्मॉल नंबर ऑफ एटम और टूट गए, और जब डीएन टूटा तो अगले डीटी टाइम में टूट गया, तो अब जो डीएन की एज है ना, जो एन की एज थी वो क्या थी, स्मॉल टी थी, स्मॉल टी तक तो एन एटम बचे हुए थे, जो डीएन है वो खत्म हो गए डीटी टाइम में, तो डीएन एटम की एज क्या होगी, टी से लेके टी प्लस डीटी, टी तक तो सभी जिंदा थे और टी प्लस डीटी में डीएन चले गए, तो यानी कि डीएन की एज क्या हुई टी और टी प्लस डीटी के बीच में, राइट। पर टी के सामने डीटी बहुत छोटा है, तो टी और डीटी में डीटी को निगलेक्ट कर दिया, तो एवरेज अप्रोक्सीमेटली हमने ये मान लिया डीएन की एज कितनी है, टी, डीएन की एज टी है, तो डीएन में से एक एटम की एज अगर टी है तो डीएन एटम की भी टी है ना, सभी एटम की टी है, तो टोटल एज कितनी होगी, टी इंटू डीएन, तो एक एटम की अगर टी टी एज है तो डीएन एटम की टी इंटू डीएन एज है। तो क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो आपने डीएन एटम की एज निकाल दी, पर आपको तो सभी की एज निकालनी है, कोई बात नहीं, आप इसे क्या कर दें, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन में क्योंकि एन की लिमिट लगेगी, डीएन के साथ इंटीग्रेशन है, तो लिमिट्स क्या लगेंगी, जीरो से एन नॉट, जीरो से एन नॉट का मतलब है कि सारे एटम की एज आपको निकालनी है, ये स्मॉल एटम की एज है, जीरो से एन नॉट में सभी एटम की एज आ जाएगी, और सभी एटम की टोटल एज को एन नॉट नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दो, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज लाइफ आ जाएगा, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है, तो एवरेज लाइफ में क्या किया, टोटल लाइफ ऑफ ऑल एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम से इसे डिवाइड किया, तो एवरेज लाइफ आ गई। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, मॉडिफाई कैसे करना है, हमने लॉ किया था, रेडियो एक्टिविटी का लॉ था कि डीएन बाय डीटी वाज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, लास्ट टाइम किया था, कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो एन पे डिपेंडेंट होते हैं, लास्ट टाइम किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डीएन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस लैम्डा इंटू एन इंटू कितना, डीटी, ये देखो ये लिखा हुआ है, डीएन की वैल्यू कितनी है, माइनस लैम्डा इंटू एन इंटू डीटी, और एन की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं, एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहां से सॉल्व करके आपने क्या निकाल दिया, डीएन निकाल दिया। अभी काम करो, इस डीएन को यहां से निकाल के यहां पे पुट कर दो, इस डीएन को यहां से निकाल के पूरे का पूरा ये टर्म यहां पे रिप्लेस करो, तो ये पूरा रिप्लेसमेंट कर दिया आपने। अब रिप्लेसमेंट करने में एक प्रॉब्लम है, पहले इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू एन है, अब इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू टाइम है, तब लिमिट किसकी लगेगी, टाइम की। बस आप मुझे ये बताओ कि जब नंबर ऑफ एटम एन नॉट थे तो टाइम की लिमिट, टाइम कितना था, जीरो, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो नंबर ऑफ एटम एन नॉट है, और जब नंबर ऑफ एटम जीरो होंगे, टूट गए सारे एटम, ऐसा कब होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी कभी खत्म होती नहीं है, इनफिनिट टाइम लेगी, तो टाइम की लिमिट समझ में आ रही है, कैसे रिप्लेस करनी है, तो एन, एन के हिसाब से चलेंगे, जब एन नॉट है नंबर ऑफ एटम तो टाइम जीरो था, और जब खत्म कब होंगे नंबर ऑफ एटम रेडियो एक्टिविटी में, जब टाइम इन्फिनिटी है,
तो एन नॉट से एन नॉट इस रेशियो में कट जाएगा और आपके पास ये बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, नॉन मेडिकल वाले जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, पर आपने करनी ही नहीं है, बस इसके बाद लिख दो ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, कुछ नहीं करना, इसके बाद लिख लो बुकलेट में ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, सीधा लिखो ऑन इंटीग्रेशन वी गेट एवरेज लाइफ इज 1 बाय लैम्डा। इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, 1 बाय लैम्डा आंसर आएगा, सीधा लिखेंगे। और साथ में ये भी लिखेंगे कि लैम्डा जो होता है वो हाफ लाइफ पीरियड की फॉर्म में क्या होता है, 0.6931/T। तो अगर आप इस लैम्डा को यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, सॉल्व करके ये टर्म आएगी। तो आपने यहाँ तक लिख के आना एक्सप्रेशन, एवरेज लाइफ इज ऑलवेज इक्वल टू 1.44 टाइम्स हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये इसका रिजल्ट है।